अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जनाब जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का जो व्लॉग है ना, मैं 2 दिन का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ और ये वीकेंड का व्लॉग है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो आया है ना, कुछ शॉपिंग करनी थी, ज़रूरी चीज़ें वो दिखाऊंगी मैं आपको। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो है ये है कि मैंने अपने इन लॉज की दावत की थी, वो भी आपके साथ कम्प्लीट जो है ना व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मॉल में उतरे हैं और इंडिगो में आना था, क्योंकि आयशा को चाहिए थी कुछ बुक्स। माशाल्लाह से काफ़ी वो शौक हुआ है उनको आजकल। जैसे कि आपको पता है, बच्चों को क्या होता है, एक टाइम आता है, डिफरेंट डिफरेंट उनके शौक होते हैं। सम टाइम कुछ हॉबी होती है, कभी कोई हॉबी होती है। तो आजकल उनको बुक्स रीड करने का बहुत हुआ है, और वो भी अपनी पर्सनल वो बाय करती हैं और फिर उनको अच्छा लगता है कि वो पढ़ें। और हर बच्चे का अपना होता है, कुछ बच्चे लाइब्रेरी से लेकर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको है कि वो अपनी कलेक्शन, उन्होंने अपनी कलेक्शन बनानी है। तो खैर, वो यहाँ पर हम इंडिगो आए। इंडिगो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी पहले भी काफ़ी दफ़ा आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लेट में आई हूँ। पहले जब स्टार्टिंग में इंडिगो बना था ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, सिर्फ ओनली बुक्स होती थी। लेकिन अब इन्होंने हर तरह की चीज़ कर दी है और इतना लेटेस्ट कर दिया ना कि आपको जो भी बुक चाहिए आप उसका नाम डालो तो आपको पता चल जाता है कौन से आयल में पड़ी हुई है, क्या प्राइस है उसकी और कितनी अवेलेबल है। मतलब काफ़ी डिटेल से आपको यहाँ पर आसानी से, आप बच्चे जो है ना खुद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से कोई भी जाए ना तो उसको पता है कहाँ पे, इतने बड़े बुक स्टोर पे उसको पता चल जाएगा कहाँ पे उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं। बच्चे देख रहे थे अपनी बुक्स और मैं यहाँ पर सेल सेक्शन में आ गई थी। एक छोटा सा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, डिस्काउंट में जो चीज़ें होती हैं वो लगाई हुई थी। काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर और ये कप मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें 2 रंग थे, एक मेरून था और एक ब्लैक था। और मैंने कहा चलें इसकी प्राइस चेक करते हैं, और ये $6 का लगा हुआ था, लेकिन पहले इसकी प्राइस जो थी उन्होंने $8 की हुई थी और उससे भी कम करके फिर इन्होंने 6 कर दिया हुआ था। खैर, इसका स्टाइल जो है ना मुझे पसंद आया था। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी। अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये ना कैलेंडर था, बहुत ही मुझे ये अच्छा लगा, डिफरेंट सा भी लगा है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और पसंद मुझे ये इसलिए आया था क्योंकि इसके कैलेंडर के ना 31 जो नंबर्स थे ना, वो मैग्नेट से बने हुए थे, तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब कि फ्रिज वगैरह के ऊपर भी बहुत प्यारा लगेगा। ये चीज़ें तो बहुत थी इंडिगो पर, मैंने थोड़े से क्लिप बनाए हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। कोई सम टाइम किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती है और कैसी मिलती हैं। अच्छा, थीम के मुताबिक भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, होम डिकोर की चीज़ें बहुत प्यारी थी इनके पास। कलर जो इनके थे ना, मुझे बहुत अच्छे लगे, डिसेंट कलर थे सब, और सब चीज़ें ही बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट थी। ये फ्लावर्स ही देख लें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हैड कलर्स चूँकि जो बात है ना, आगे आ रहे हैं समर, और समर के मुताबिक इन्होंने सब चीज़ें ना रख दी हुई थी। और ये कप और चैनक देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ये बहुत हैवी थी और बहुत ही प्यारे इसके मुझे कलर लगे। येलो कलर वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है। और ये देखें, बर्तनों के कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती, टाइम बहुत था, बच्चे भी आराम से अपनी बुक्स देख रहे थे, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं भी देख लेती हूँ इंडिगो, मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। गोल्डन थीम के साथ भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, कॉपर की भी इतनी चीज़ें थी इनके पास, और वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ग्लासेस देखें, मैं ग्लासेस दिखाऊंगी आपको, गोल्डन कलर के ग्लासेस थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। आगे उसका क्लिप आएगा। और उसी गोल्डन के अंदर इन्होंने डिफरेंट साइजेस रखे हुए थे और डिफरेंट ये ना ब्लैक कलर भी था उसके अंदर। अच्छा, गोल्डन में 2 कलर थे, डार्क और एक लाइट। और ये देखें कितने खूबसूरत, ये वाले गिलास की बात मैं कर रही थी, ये मुझे बहुत पसंद आया। मुझे याद आ गया, अच्छा एक गिलास जो है ना ये $10 का था। मुझे याद आया कि मेरी अम्मी के पास भी ना उनकी शादी के बर्तनों में इस तरह के गिलास थे, और उस टाइम पे ना इस तरह के कलर के बर्तन बहुत चले थे। तो अब हमने अपने मतलब के घर में ना वो वाले बर्तन बहुत यूज़ किए, तो मैंने कहा देखो पुराना ट्रेंड जो है ना फिर आ जाता है, और बार बार वही चीज़ें पुरानी जो होती है ना वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बच्चों ने बुक्स बाय कर ली थी, अब इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। दरअसल बच्चों ने अपनी जो है कज़न्स के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे, वो भी वो साथ साथ देख रही थी। मेरा भी मकसद यही था, पूरी मॉल में आ जाने का मकसद यही था कि आयशा ने एक बुक्स लेनी थी। और मैं इस तरह ही करती हूँ कि 2-3 जब काम इकट्ठे हों तभी मॉल में आना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, कि अब इस तरह क्या होता है टाइम भी बच जाता है आपका, और आपके पास ही होता है कि आपके पास 2-3 काम होते हैं वो भी ख़त्म कर लेते हो। तो यहाँ पर नाप जी वो भी गिफ्ट्स भी देख रही थी।
अपने कजन ब्रदर के लिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल जब उन्होंने आना है तो उसकी बर्थडे भी है, तो उसके लिए बस लड़कों के लिए थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है गिफ्ट्स खरीदना, क्योंकि उनकी पसंद का पता नहीं होता। लड़कियों की तो इतनी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी माशाल्लाह उनके लिए ले लो तो बस ठीक है, और लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है मुझे ऐसे लगता है। यहाँ पर बस हमने ना फिर सोचा कि प्यारा सा डेली रूटीन में चाय का कप तो यूज़ होता है दूध के लिए, कॉफ़ी के लिए, तो हम लोग उस ब्रदर का ना कप ले लेते। कप का कि इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी थी, तो फिर हमने यहाँ से ना ये ब्रदर वाला ग्रीन कप जो है ना ये खरीदा था। तो तेरा को कहा मामा कि ये वाला हम ना बाइक के लिए कप ले लेते हैं। ये वाला कप भी बहुत पसंद आया था उन्हें, लेकिन कलर के मुताबिक उन्हें ग्रीन ज़्यादा पसंद आया था, फिर हमने ग्रीन कप यहाँ से ले लिया था। बाकी गिफ्ट्स भी बच्चों ने खरीद लिए थे अपनी कजन्स के लिए, क्योंकि से एक ही महीने में दो तीन उनके माशाल्लाह बच्चों की बर्थडे आती है, तो हमने सोचा था कि बच्चों ने कहा मामा हम लोग सबके गिफ्ट्स इकट्ठे ही ले लेते हैं और जब वो आएंगे उस टाइम पे उनको दे देंगे, क्योंकि रोज़ आना जाना तो होता नहीं है, कभी कभार ही मुलाकात होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने उसके बाद भूख लग गई थी, और यहाँ से हमने न्यूयॉर्क फ्राइज़ लिए। मैंने फ्राइज़ में डलवाई थी टॉपिंग और ग्रेवी नहीं डलवाई थी, और कुछ सिंपल फ्राइज़ भी ले लिए थे। ईमान को जो है ना उन्होंने टॉपिंग डलवानी थी और ग्रेवी नहीं डलवानी थी, तो उनकी मैंने नहीं डलवाई, लेकिन बाद में उनको पता नहीं क्यों फ्राइज़ पसंद ही नहीं आए। और यहाँ पर कोई जो है ना हलाल इतना ज़्यादा और कोई मतलब के शॉप्स नहीं थी फूड की, तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको मैं ना यहाँ से जो है ना टिम हॉर्टन से कुछ ले देती हूँ। तो बस फिर उसके लिए हमने टिम हॉर्टन से मफ़िन और कॉफ़ी बाय कर दी थी। तो ईमान ने अपने फ्राइज़ नहीं खाए थे, मैं वो साथ ले आई थी कि अगर उसका मूड होगा बाद में तो फिर वो खा लेगी। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं, कार वॉश करानी, घर एंटर होने से पहले गाड़ी धुलवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्नो पड़ती है और गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है रोड पर चलने से। यहाँ पर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो कार वॉश सिस्टम बहुत स्लो था, और मुझे बस फिक्र हो रही थी, फिर तो लिया था, थकावट भी बहुत हो रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी कि घर जाऊं और मैं कुछ कल जो माशाल्लाह से मेरे इन लॉज आने हैं उनकी दावत करनी है, तो मैं उनके लिए कुछ रेडी करके अभी रात में थोड़ा सा प्रेप करके रख दूं। लेकिन आप यकीन करें घर जाके मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं किया, हालांकि बाजार में हम लोग मॉल में 3-4 घंटे फिरे, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था घर जाके। मैंने बस घर जाके रेस्ट किया, खाना जो था वो हम लोगों ने लेफ्ट ओवर थोड़ा सा बचा हुआ था वही हम लोगों ने इंजॉय किया, चाय पी, और अपना माशाल्लाह से अच्छे से दिन गुजर गया। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, आज आ रहे हैं मेरे इन लॉज, और यहाँ पर मैंने जो ये रूम है ना बेसमेंट में मेरा ये रूम है, यहाँ पर हमने इसको अपना फैमिली रूम बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना टीवी जो है ना वो रखा हुआ है। यहाँ पे फ्लोर पे मैंने एक मैट्रेस नया बिछा दिया, और क्योंकि बच्चों ने आना है और उन्हें मतलब कि वो एक नाइट स्टे करेंगे, और बहुत इन्होंने बच्चों को इस दिन का इंतज़ार होता है, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बिस्तरा भी एक बिछा दिया, कि यहाँ पर अगर बच्चे लेट नाइट एंजॉय करना चाहें, मूवी देखना चाहें, या कुछ भी प्ले करना चाहें, बातें करना चाहें, तो वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेड बिछा हुआ है ऑलरेडी, और एक मैंने सेपरेट भी बिछा दिया है, सोफ़ा भी पूरा यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ है, सोफ़ा भी लगे हुए हैं, तो बच्चे आराम से इंजॉय कर सकेंगे। और स्नैक लेकर सामने वाले रूम में रखे हैं ताकि इनको मुश्किल ना हो, वहाँ से स्नैक लें और इंजॉय करें। हमें भी अपना टाइम याद है, हम लोग भी जब कज़न्स इकट्ठे होते थे तो बहुत इंजॉय करते थे, और बच्चे भी एक रात के लिए रह रहे हैं, शाम में आएंगे नेक्स्ट डे चले जाएंगे, लेकिन एक नाइट उनके पास स्टे करने के लिए होती है, तो फिर वो खूब इस टाइम को इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना सेक्शन मैंने आज अभी सुबह सुबह सबसे पहले सेट किया, बच्चे उठे तो मैंने यहाँ पे नीचे सेटअप पहले ही कर दिया है कि उनको बाद में मुश्किल ना हो। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता जो है ना आज बस बच्चों ने खुद ही अपना किया, एंजॉय खुद ही बनाया, सीरियल किसी ने खा लिया था, किसी ने सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारा काम था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना मटन कढ़ाई बनाई है माशाल्लाह से, मेन्यू बहुत सिंपल सा है और पर बहुत डिलीशियस होगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना कढ़ाई को रेडी कर दी है, और थोड़ा सा मैंने धनिया अदरक एंड पे ऊपर डाली है, और जब सर्व करूँगी थोड़ा सा उस वक्त भी डाल दूँगी ये, क्योंकि ये वाला मैंने अभी इसके अंदर मिक्स कर देना है। कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इसके साथ जो मैं बना रही हूँ वो मैं चिकन की बिरयानी बना रही हूँ, सिंपल सा खाना है और ज़्यादा मतलब कि डिशेस नहीं है, लेकिन सिंपल होगा लेकिन सबको पसंद आता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि वो चीज़ बनाओ जो बच्चे पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं।
और मेरे जो इन लॉज में ये है कि सबको ये नहीं होता कि ज़्यादा मतलब कि डिशेस बनी हो, वो एक दो डिशे बनी हो उसको ही बहुत अच्छे से इंजॉय करती हैं। तो भाइयों की भी, मेरे जो जेठ और देवर, उनकी भी यही आदत है, उनको भी अगर कितना कुछ भी बना हो ना, उन्होंने एक दो ही चीज़ों को ही अच्छे से इंजॉय करना है। तो बस फिर मैंने इसीलिए जो है ना मेन्यू जो है ना अपना अपने लिए भी जारी किया है, और ताकि आसानी से वो खा भी सके, मज़ा भी आए, इंजॉय भी कर सके और चीज़ें वेस्ट भी ना हो। खैर चीज़ें वेस्ट नहीं होती, वो खाई जाती है, लेकिन खैर बनाना उतना चाहिए कि जो सब मज़े से खा लें। तो इसलिए मैंने सिंपल सा मेन्यू रखा है, मटन कढ़ाई बनाई है, मैंने चिकन बिरयानी बना रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे जो गिफ्ट्स लाए थे वो अपना काम करें, उनको पैक करने का उनको है कि हम पैक कर लें, क्योंकि नाइट में इतना टाइम नहीं था। तहीरा ने अपना कुछ असाइनमेंट वगैरह भी डन करनी थी जब वो शॉपिंग करके आए, तो तहीरा ने अपना काम कल ही ख़त्म कर लिया था शाम में बैठ कर, कि उनको पता था नेक्स्ट डे हमारी कज़न्स आ रही हैं, तो हम लोगों ने उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो काम हो नहीं पाएगा। और माशाल्लाह इसके साथ साथ मेरे साथ भी हेल्प करवा रही थी, गिफ्ट्स उन्होंने अपने पैक कर लिए थे। सॉरी कि मैं उसका क्लिप नहीं बना सकी हूँ, और क्योंकि मैं किचन में बिजी थी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए जो सबसे पहले दही पकौड़ियाँ भिगोई हैं और इनको मैं बनाऊंगी। साथ में मुझे बस जाने से आया कि मैं चना चाट भी थोड़ी सी बना लूँ। माशाल्लाह से सब चीज़ें मैंने बना ली हुई हैं, इमली की चटनी और आलू बहाड़े की चटनी, और इसके अलावा जो ग्रीन हरी चटनी होती है वो भी मैंने बना ली हुई है। वो भी मैं आपसे की सबकी रेसिपीज शेयर करूँगी, क्योंकि सब चीज़ें जो है रमादान के लिए मैंने प्रेप ये कर ली हैं। और अभी मेरे पास बस टाइम था कि मैं उसको आपके इस ब्लॉग में डालती, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग काफ़ी लंबा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं चना चाट बनाती हूँ और इस तरह टेस्ट भी हो जाएगा कि कैसी बनी है चटनीज़ और कैसा फ्लेवर आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ये भी चना चाट बनी थी। और ना इसके साथ साथ जो मैंने बनाई थी जो है ना प्रोटीन सैलेड बना लिया था। ये इस वक्त जो मैं डाल रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ जनाब जी इमली की चटनी, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी आलू बहाड़े की चटनी, और वो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ना, मीठी होती है, खट्टी मीठी, और ये जो सब्ज़ चटनी इसके साथ, तो फिर चना चाट का सही मज़ा आता है। और सबसे एंड पे जब मैं सर्व कर लूँगी तो इसके ऊपर पापड़ी भी डालूंगी। पापड़ी जो है इस दफ़ा मैंने घर में नहीं बनाई है, मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। अक्सर क्या होता है रमज़ान में मैं पापड़ी भी घर में बना लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे बॉक्स मिल गया था बाज़ार से, तो मैं वो ले आऊँगी, लेकिन छोटा मिला है, अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं बना लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने जो सब सैलेड और जो मैंने दही बूंदी बनाई है, और इसके अलावा जो मैंने चना चाट बनाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। ड्रिंक्स भी मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं ताकि ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएं। और इसके बाद जो है ना मैं अब आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। खाना जो है ना तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया, और मैं वेट करती कब आएंगे। मैं तो विंडो में देखने आ गई थी कि बाहर सुना था कि आज फ्रीजिंग रेन होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही रेन हो रही थी थोड़ी देर पहले। और वेदर अच्छा होना तो फिर आप गेस्ट भी जो होते हैं ना बेचारे, दूर से आना होता है तो आराम से ट्रैवल करके आ जाते हैं, फिक्र होती है यार रास्ते साफ होने चाहिए। तो स्नो देख रहे हैं आप, काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई, इतना टावर बना हुआ था यहाँ पर हमारे घर के आगे, सब तरफ ये जो स्नो ही स्नो थी। लेकिन 2-3 दिन पीछे जो है ना मौसम बहुत अच्छा रहा है, धूप निकली है ना, तो काफ़ी ये जो स्नो है ना ये ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे माशा जी हमारा खाना रेडी है, मेहमान आ चुके थे, खाना जो मैंने रेडी रखा था, आते ही उनको भूख लगी होती है डेफिनेटली। नान जो है ये हमने बाजार के लिए थे, और इसके साथ मैंने जो है ना शामी कबाब भी फ्राई किए थे। खाना अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया, मैंने भी सुबह से सिर्फ सीरियल खाया हुआ था, और बस मैंने भी अपना खाना खूब इंजॉय किया इस टाइम पर। और जनाब जी ये कुछ गिफ्ट्स के क्लिप थे, बच्चों ने गिफ्ट जो खोले बड़े पसंद आए उनको। और मैं यहाँ पर अपना डिशवॉशर जो है ना अपलोड कर रही हूँ साथ साथ, और क्योंकि इधर मैंने साथ बने रखी हुई है चाय, चाय बनती जाएगी और साथ साथ मैं अपने बर्तन भी लगा दूंगी। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।